नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं आपके साथ आशुतोष परिदीक्षी। अभी विजय सिन्हा जो हैं वो प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने साफ साफ तौर पर जो 23 तारीख को विपक्षी एकजुटता की जो बैठक होनी है उसको लेकर अपना बयान स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से विपक्षी एकजुटता का जो लोग अभी खेवनहार बने हैं, जो लोग सोच रहे कि कांग्रेस के साथ मिलकर गलबहियां करके वो उसको शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचाएंगे, वही उनके जो शिष्य हुआ करते थे जो लालू प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार, वो शपथ लिए थे जेपी आवास पे, जो जेपी के जो शिष्य थे वो, कि अब कांग्रेस मुक्त भारत जो है इंदिरा गांधी को हटाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त और भ्रष्टाचार से हटाने वाली हम सरकार को लेंगे। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, विपक्षी एकता की हवा तो पहले ही निकल गई। आप विपक्षी एकता किनका बैठक है? देखिए, सारे परिवारवाद, वंशवाद और जिनके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किला से जो घोषणा हुआ था भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, तभी से इन लोगों के मन में डर आया और वो डरे सहमे लोग आपस में गलबहियां कर रहे हैं, अपने अपने एजेंडा और सिद्धांत को छोड़कर। कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ, कांग्रेस एक कमाल जरूर कर दिया कि जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के परम शिष्य बनकर सत्ता के शिखर तक पहुँचे थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, वही दोनों शिष्य ने जेपी निवास में शपथ भी लिया था कि जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज कांग्रेस ने उन्हीं दोनों शिष्य के माध्यम से लोकनायक के धरती बिहार में ही, पटना में ही, उन्हीं से नारा लगवाएगा कि कांग्रेस युक्त भारत बनाना है, भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाना है। और आज बड़े भाई छोटे भाई कांग्रेस के गोद में बैठकर कांग्रेस के साथ गलबहियां करके आज उनके पक्ष में नारा लगाएंगे। ये दृश्य 23 तारीख को बिहार की जनता देखेगी और बिहार की जनता, ये लोकतंत्र की धरती की जनता है, इस ऐसी सजा इन दोनों को देगा कि इस बार कांग्रेस राजद जदयू मुक्त बिहार बनेगा, ये बिहार की जनता भी संकल्प ले चुकी है। तो भी आपने सुना किस प्रकार से विजय सिन्हा है जो लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अभी विपक्षी एकजुटता की जो बैठक होनी है उसको लेकर, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।